नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5। इसका नाम है लिंग। इसको इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। दिए गए कार्ययुक्त चित्रों को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। कार्ययुक्त का अर्थ है ये कार्य कुछ हो रहे हैं, उसको आपको देखना और समझना है। ठीक है, पहले चित्र में देखिए, छात्र पढ़ रहा है, छात्रा पढ़ रही है, गाय दूध दे रही है, बैलगाड़ी ले जा रहे हैं, भाई बहन रक्षाबंधन मना रहे हैं। ठीक है, अब नीचे देखिए, लिंग का सामान्य अर्थ चिन्ह अर्थात पहचान करवाना है। व्याकरण में स्त्री पुरुष की पहचान हो उसे लिंग कहते हैं। इसका मतलब है संज्ञा। मैंने आपको पीछे संज्ञा पढ़ाई थी। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है, पुरुष के बारे में या स्त्री के बारे में उसके बारे में बताया जा रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है, लिंग के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है ना, पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन शब्दों को पुल्लिंग शब्द कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया ऊपर कि जिस शब्द में पुरुष जाति, पुरुष का नाम आ रहा हो, उसके बारे में बता रहा हो, तो उसे क्या बोलते हैं? पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे तोता, बालक, सम्राट, पिताजी इत्यादि। ठीक है, नंबर दो पे देखिए, स्त्रीलिंग जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, जिन शब्दों में स्त्री जाति के बारे में बताया गया हो, उन शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे चिड़िया, कवित्री, माताजी, कुम्हारिन, ठीक है, इत्यादि। देखिए, पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे करनी है आपको? आधुलिखित शब्द सामान्य रूप से पुल्लिंग होते हैं। दिनों के नाम, ग्रहों के नाम, हिंदी महीनों के नाम, समुद्रों के नाम, पहाड़ों के नाम, देश और राज्यों के नाम, लंका अपवाद है, धातुओं के नाम, ठीक है, चांदी अपवाद है, अनाजों के नाम, दालें अपवाद है, वृक्षों के नाम, दिनों के नाम, ये सब जो आपके जब बारे में बता रहा है किसी के बारे में, तो यहाँ जहाँ पर भी ये सब चीज़ें आएंगी आपको पता लग जाएगा कि ये पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए, अधोलिखित शब्द समान रूप से स्त्रीलिंग रहते हैं। कौन कौन से स्त्रीलिंग रहते हैं? नदियों के नाम, भाषाओं और लिपियों के नाम, बोलियों के नाम, नक्षत्रों के नाम, तिथियों के नाम। ठीक है, तिथियों के नाम जो इंग्लिश में जो आएंगे वो क्या होता है? स्त्रीलिंग होंगे। अन्य को भी समझिए और उसके बारे में भी आप समझिए आगे क्या क्या है। शरीर के अंगों के नाम, सिर, बाल, माथा, गाल, कान, हाथ आदि। छोटे प्राणी कौन कौन से? नेवला, केचुआ, गिरगिट, कछुआ, खटमल, मच्छर, सांप इत्यादि। ठीक है, अब विशेष इसमें क्या है? कर्ता के लिंग के अनुसार वाक्य में क्रिया लगाई जाती है। जैसे कर्ता, जो आप कर रहे हो काम, ठीक है, कर्ता जो काम करता है, जैसे कि पिताजी आ रहे हैं, माता जी आ रही हैं। इसमें दिया है पिताजी आ रहे हैं, माता जी आ रही हैं, तो इसमें चेंज हो गया ना ये जेंडर लिंग। तो नीचे देखिए, स्वयं में बड़प्पन दिखाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी के, कोई बड़ा हो, हम उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हों, उसमें बड़प्पा दिखाने के लिए हम कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो, हम अपने बड़ों को सम्मान देने के लिए क्रिया बहुवचन की लगाते हैं। ठीक है, आधुलिखित पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों को ध्यान से पढ़िए, समझिए। इसी प्रकार अन्य शब्दों का भी लिंग परिवर्तित होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, नंबर एक पे दिया है आ लगाकर शब्द दिए हैं। जैसे बालक, बालिका, शिष्य,
शिष्या, आ लगाए ना, आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा लगी है। महोदय महोदया, प्रिय प्रिया, शिक्षक शिक्षिका, अध्यापक अध्यापिका, ठीक है, ये बड़ा आ लगा हुआ है, इसको लगा के ये शब्द कुछ बनाए गए हैं। और नंबर दो पे दिया गया है बड़ी ई लगा कर, बेटा बेटी, मोटा मोटी, नर नारी, पुरुष स्त्री, सम्राट सम्राज्ञी, चाचा चाची, ठीक है। नंबर तीन पर इया लगाकर, चूहा चूहिया, बंदर बंदरिया, गुड्डा गुड़िया, कुत्ता कुतिया, बेटा बिटिया, बूढ़ा बुढ़िया, ठीक है। नंबर चार पर आनी लगाकर, देवर देवरानी, मुगल मुगलानी, सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी, पठान पठानी, मेहतर मेहतरानी। नंबर पाँच पर आयन लगाकर, पंडित पंडिताइन, गुरु गुरुआइन, बाबू बबुआइन, ठाकुर ठकुराइन, मुल्ला मुल्लाइन, लाला ललाइन, ठीक है। उसके बाद नंबर छः पे नी लगाकर, मोर मोरनी, ऊँट ऊँटनी, शेर शेरनी, सिंह सिहनी, स्वामी स्वामिनी, हंस हंसनी, ठीक है बच्चों। अब आपको इसमें अभ्यास कार्य में प्रश्न एक मौखिक अभ्यास करना है। प्रश्न क, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग दो प्रकार के होते हैं। ख, बालक का स्त्रीलिंग क्या होगा? बालिका। ग, चाची का पुल्लिंग बताइए, चाचा। घ, तपस्वी का स्त्रीलिंग बताइए, तपस्विनी, ठीक है बच्चों। ये मौखिक प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं, ठीक है बच्चों। नमस्ते बच्चों।